Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. Our today's topic is Mishra Gand of BAMS Ayurveda, and the topics we will be studying are Advaita Gand, plant origin, Jangam Gand, animal origin, and Parthiv Gand, mineral origin. Before starting, thank you for your support as we have crossed 100 plus subscribers. Also, इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आज का हमारा टॉपिक है मिश्र गण. द्रव्यगुण विज्ञान में अनेक प्रकार के द्रव्यों के वर्गों का विवेचन किया गया है. गणा मीन्स ग्रुपिज्म. आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया है. उन्होंने द्रव्य का वर्ग किया है बेस्ड ऑन रचनात्मक और क्रियात्मक आकृति, प्रयोज्यांग गुण, कर्म, जाति या फिर रोगनाशकता. इनमें जो समानता को देखकर वर्गीकरण किया है. षोडल निघंटु ने मिश्रक वर्ग 9वें अध्याय में और राज निघंटु ने मिश्रक वर्ग 22वें अध्याय में. शालिग्राम एवं महाअर्षद निघंटु ने 7वें अध्याय वर्गों में विविध वर्गों को समाविष्ट किया है. इनके आधार डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक आकृति, गुण, जाति, कर्म, कार्य, प्रसिद्धि, साधर्म्य आदि. आकृति साधर्म्यता लाइक जो रचनात्मक दृष्टि से समान दिखाई देते हों, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, पंचशीरी. गुण साधर्म्यता जिन द्रव्य में शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि में समानता पाई जाती है, जैसे पंचतिक्त, त्रिकटु, षड उषण. जाति साधर्म्यता एक ही जाति के द्रव्य को मिलाकर वर्ग बनाए हों, जैसे त्रिशर्करा, तो तीनों की जाति एक ही है, दैट इज शर्करा. कर्म साधर्म्य की बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल सिमिलैरिटी, एक समान कर्म करने वाले अनेक द्रव्यों का वर्ग, जैसे जीवनीय पंचमूल, ब्रह्मनीय महाकषाय आदि. कार्य साधर्म्यता जिन द्रव्यों के कार्यों में समानता रहती है उन्हें एक वर्ग में रखा गया है, जैसे क्षार योनि, स्नेह योनि, आसव योनि आदि. नेक्स्ट है प्रसिद्धि साधर्म्यता. प्रसिद्धि के आधार पर भी गण बताए गए, जैसे पंचामृत. तो ये कुछ साथ में हैं और ये प्रसिद्ध इसी तरीके से हो गए, इसलिए प्रसिद्धि साधर्म्यता. मिश्रक गण को हमने तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, औद्भिद गण, जांगम गण और पार्थिव गण. जो औद्भिद गण है, आचार्य चरक ने वनस्पतियों के 18 प्रयोज्यांग बताए हैं, जैसे पत्र, मूल, फल. तो इन समूह का जो उल्लेख मिलता है वो हमें औद्भिद गण में मिलता है. इसमें बेसिकली वनस्पति से जो ऑब्टेन होते हैं और उनके बेसिस पर जो सिमिलैरिटीज मिलती हैं उनको वर्गीकरण किया गया है औद्भिद गण में, जैसे त्रिफला हो गया, लघु पंचमूल, वली पंचमूल और आदि. जांगम द्रव्य इस गण के अंतर्गत जंतुओं से प्राप्त होने वाले विविध प्रयोज्यांग के औषध समूह का उल्लेख किया गया है, जैसे पित्त पंचक, शीर आष्टक. मतलब जो शीर है, हम जो दूध ऑब्टेन करते हैं वो 8 प्रकार का होता है और हम उन्हें एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट आता है पार्थिव गण. इस गण के अंतर्गत उन प्रयोज्यांग का वर्णन है जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जैसे लवण पंचक, क्षार वर्ग का भी इसमें विवेचन किया गया है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक मिश्र गण. हमने सीखा मिश्र गण के 6 बेसिस, आकृति, गुण, कर्म, कार्य, जाति साधर्म्यता, प्रसिद्धि साधर्म्यता, और मिश्र गण के 3 भेद होते हैं, औद्भिद, जांगम और पार्थिव. होप आपको समझ में आया होगा. और अब से मैंने सोचा कि बहुत सारे द्रव्य हैं, याद करना बहुत मुश्किल होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम मिश्रक गण के अकॉर्डिंग चलेंगे. जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा है दशमूल, और उसके पहले हम दशमूल एज अ मिश्रक गण पढ़ेंगे और फिर उसके जो कंटेंट्स हैं हम उसको एज अ सिंगल द्रव्य पढ़ेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में. इस मेथड पे आपके क्या व्यूज़ है या फिर कोई ऐसा फेमस मेथड जो आपके लिए इजी हो, कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू. Thank you for watching. Do like, share and subscribe our videos if you found it knowledgeable. Also, let us know in the comment box ki aapko aur kaun kaun se topics mein difficulties aati hai which we can describe for you.